अमेन चौनस में शामिल करो, अमेन चौनस में शामिल करो, कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर कराओ, डिक्लेयर करो, कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर कराओ, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद, एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद, इतिहाद ए मुलाजमी जिंदाबाद, इतिहाद ए मुलाजमी। एक दिन का जो प्रोटेस्ट है ये हमारे अभी पिछले दिनों में दो जानबाज हमारे कोरोना वॉरियर हमारा AEE हमारा ये फोरमैन उनकी डेथ हुई है, जिसकी वजह से हमारे मुलाजमों में रोष भी है और बड़ा अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, सैनिटाइज डिपार्टमेंट और पुलिस वालों को कोरोना वॉरियर के सारे बेनिफिट दे रहे हैं, इंश्योरेंस में उनको लाया है, मगर ये हमारा बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो दिन रात, क्या वो ग्रीन जोन हो चाहे रेड जोन हो, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी इलाका हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारे लड़के नीड बेस से लेके परमानेंट तक, इंस्पेक्टर तक, जेई तक, फोरमैन तक, सारे लड़के काम कर रहे हैं दिन रात, बिजली को कभी भी इन्होंने प्रॉब्लम नहीं आने दी। आज हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट अभी भी सोई हुई है। एक तरफ गवर्नमेंट ये वादा करती है कि बैक टू विलेज में पानी और बिजली, मगर बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि बिजली और पानी के मुलाजम जो हैं ये इनकी नज़रों में नहीं आ रहे हैं, इनके साथ आज भी सुतेला व्यवहार कर रही है गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं जो लोग हमारे मुलाजम, क्या छोटे से लेके ऊपर तक, अगर वो कोविड से उनकी डेथ हो जाती है 50-50 लाख रुपये का उनको बेनिफिट दिया जाए और हर एक घर का एक एक आदमी जो है उनका नौकरी में आना चाहिए और हमारे इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस की कैटेगरी में हमें भी जल्दी से जल्दी लाइए। और 30 सितंबर के बाद अगर इन्होंने नहीं लाया तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये दूसरा रूप भी ले सकता है।